झारखंड के साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में एडीसी क्लब की तरफ से हाई स्कूल फुटबॉल मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ फीता काटकर डीसी रामनिवास यादव, सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार व झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने किया, जिसके बाद डीसी रामनिवास यादव व केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा समेत अन्य अधिकारियों ने खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान बरहरवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उराव, रांगा थाना प्रभारी अमन कुमार व प्रखंड उपाध्यक्ष राजाराम मरांडी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल रहे। यहाँ पे बरहेट के स्कूल प्रांगण में बरहेट प्रखंड स्तरीय फुटबॉल ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसमें बाहर से भी टीमें आई हैं, कुछ खिलाड़ी बाहर से भी आए हैं और हर साल की बात ही इस बार भी, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ठीक से ये खेलों का संचालन नहीं हो रहा था, परंतु अभी डिजास्टर का जो सर्कुलर आया उसके बाद से खेलों का संचालन पूर्ण रूप से अब चालू हो गया है। आप देख रहे हैं काफ़ी क्राउड यहाँ पर है और जिले में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल जो टूर्नामेंट है वो भी हम लोग 1500 और 29 को उसका फाइनल करेंगे। हेमंत सोरेन जी का ये स्पष्ट है कि यहाँ के हर एक प्रखंड से, गांव से, जिला से, परमंडल से खिलाड़ियों को चुनकर राज्य स्तर पर और राज्य से देश स्तर पर इसको लाने का काम हम लोग सरकार जी कर रही है और सभी प्रखंड मुख्यालय में स्टेडियम बनाने का भी प्रस्ताव सरकार लिया है और हम खिलाड़ियों से यही अपील करेंगे कि आप खेल को खेल भावना से खेलें और खेल में कोई एक जीतता है और एक हारता है, हारने वाले भी खिलाड़ियों के लिए शुभकामना और जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी मेरी शुभकामना। यहाँ पर